जियाउर रहमान बब्बन की हत्या में शामिल तीन लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सुबह निवासी मतीउर रहमान के पुत्र जियाउर रहमान बब्बन की सिमरी थाना क्षेत्र के सोभन से 8 दिसंबर की सुबह उनकी हत्या कर दी जाती है। हत्या के बाद लाश को गाछी में छोड़ दी जाती है। सुबह उठाना एवएसआईटी टेक्निकल सेल डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के द्वारा मिला निर्देश पर एसआईटीएफ सिमरी थाना अध्यक्ष शमशाद खान के नेतृत्व में द्वारा कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। संवाददाताओं को जानकारी देते हुए सदर डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि 24 घंटे के अंदर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसआईटी और स्थानीय पुलिस की मदद से 9 दिसंबर को मोहम्मद जावेद को दरभंगा एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। घटना का मुख्य कारण जमीन के कारोबार और पैसे के लेन देन बताया जा रहा है। मामा जावेद से लगभग 5 घंटे तक पूछताछ और जांच करने के बाद बॉडी लैंग्वेज से शक हुआ और फिर उसे गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने हत्याकांड में शामिल छोटे और मोहम्मद फिरोज का नाम भी बताया है। सभी शोभन निवासी बताए जाते हैं। घटना देर शाम की बताई जाती है। सिमरी थाना अंतर्गत शोभन बाईपास में 8 तारीख की सुबह 8 दिसंबर की सुबह एक लाश पाई जाती है। जांच पड़ताल होती है, शिनाख्त होती है। लोकल लोगों द्वारा बताया जाता है कि लाश मरहूम जियाउर रहमान की है, जिन्हें बब्बन के नाम से भी जाना जाता था। उनके वालिद का नाम मतीउर रहमान है, जो शोभन गाँव के ही निवासी थे। घटना की गंभीरता को और संवेदनशीलता को देखते हुए दरभंगा जिला के एसएसपी महोदय द्वारा तत्काल एसआईटी का गठन किया जाता है, जिसमें सीआई सदर, सीआई कमतौल, एसएचओ सिमरी होते हैं और उसका उसे लीड मैं कर रहा हूँ। तो इसके बाद तमाम पहलुओं पर जांच की जाती है। वहाँ 4-5 घंटे हमारी टीम ने समय बिताया, एफएसएल की टीम आई। उस दौरान लोगों की बॉडी लैंग्वेज, लोगों की बातचीत, लोकल इनपुट्स, वहाँ के जो चाय वाले हैं, लोकल लोग हैं, उन लोगों से आज बातचीत, पूछताछ और अन्य जो अनुसंधान के हमारे तरीके हैं उनको अपनाते हुए सिमरी थाना के टीम के द्वारा टेक्निकल सेल की मदद से और काफ़ी तत्परता दिखाते हुए कल ही दिनांक 9 तारीख को घटना के जस्ट दूसरे दिन 24 घंटे के अंदर दरभंगा एयरपोर्ट से जो मुख्य अतिथि है इसका मोहम्मद जावेद, उसकी गिरफ्तारी संभव हो पाती है। जावेद से पूछताछ की जाती है। पूछताछ के क्रम में वो अपने और दो सहयोगियों का नाम बताता है, जिनका नाम है छोटे और फिरोज़। ये दोनों भी संयोग बस उसी गांव के निवासी होते हैं। रात में कल इनकी गिरफ्तारी हुई है। क्या कारण बताया इन्होंने, ये हत्या करने के पीछे का मेन कारण क्या है? हत्या के पीछे का स्पष्ट कारण है जमीन का लेन, जमीन की खरीद बिक्री संबंधित लेन देन का विवाद। क्या इन तीनों से ही लेन देन है या इनके कोई और हैं? इनकी मिली भगत थी मुख्यतः जावेद का, कुछ ऐसे का हिसाब किताब बताया जा रहा है और पूछताछ की जा रही है। बात कहां पर नहीं बनी जो अंजाम कैसे दिया घटना को, सर इन्होंने कुछ बताया? बिल्कुल बताया है। उनको जावेद ने शाम में बुलाया और आने के बाद उनकी बुलेट जो है, जिस बाइक से वो गए थे लेट जियाउर रहमान, उनकी बाइक भी वहाँ पाई गई। बाइक को भी, बाइक की चाबी भी हमारे जब्ती सूची में है। और बाइक से वो गाछी के अंदर लगभग बगीचे में 1 किलोमीटर अंदर लगभग वो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों से पुराना संबंध रहा है, सहयोग रहा है, गांव के रहे हैं, इसलिए बिना किसी संदेह के वो अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद पीछे से उन पर लोहे के रॉड से वार किया जाता है। सर के पीछे हिस्से में गंभीर चोट है, जो मृत्यु का कारण बताया जा रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आने बाकी है। मृत्यु के वक्त चार ही आदमी थे। टाइमिंग क्या था, हमला करने का टाइमिंग क्या है, कुछ नहीं पता चल रहा है। शाम का समय है, 6:30, 6:30। सर अब गिरफ्तार लोगों की आपराधिक रिकॉर्ड मिली है?